Ready? थैंक यू. तो ये एक एब्सोल्यूट स्टीरियोटाइपिकल कमर्शियल मसालेदार बॉलीवुड फिल्म ही है. इट्स गॉट आवर फेवरेट हीरोज़ फ्रॉम संजू सर, जैकी सर, मनीषा मैम, चंकी सर एंड अ गुड्डू भैया एज वी कॉल हिम नाउ. और ये लखनऊ में शूटिंग हुई थी एंड या इट्स अबाउट पॉलिटिक्स, ड्रामा, रोमांस सब है इसमें. तो किरदार का नाम शिवी है और वो एक NRI है, अमेरिका से आती है एक पॉलिटिकल थीसिस पेपर लिखने के लिए. वो इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहती है तो अली से मिलती है और उनके परिवार के वजह से शी सीज ऑल द वायलेंस, भ्रष्टाचार जो पॉलिटिक्स में होता है एंड इट जस्ट ओपन्स हर आईज. उनसे काफ़ी अलग हटकर रही है जी. एक अलग जर्नी की फिल्म है, काफ़ी मसाला फिल्म है, काफ़ी मास फिल्म है. सो इस बारे में बताइए. एक्चुअली शिवी के लिए मैंने कुछ प्रेपरेशन नहीं की क्योंकि देवा सर चाहता था कि मिलने के बाद वो बोला कि नहीं आप ही शिवी है, आपकी पर्सनालिटी ही शिवी है. क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत सवाल पूछती थी यू नो कि फिल्म कहाँ शूट होने वाली है, कितने दिन चाहिए, कब शूट करने वाले हैं, ये सब वो सब. तो वो चाहता था कि मैं ऐसे एटीट्यूड के साथ ही आई सेट पे. तो इसी के साथ में जिससे भी हमने देखा कि एक यूपी की कहानी है, एक लखनऊ दिखाया गया है जहाँ पे एक काफ़ी फैमिली ड्रामा दिखाया गया. कैसे एक्सपीरियंस था? बहुत मज़ा आया. मैं मेरे हीरोज़ को देख रही थी सामने से, वो शॉट करते रहते थे, वो जोक्स मारते थे और यू नो पता नहीं उनको ऑब्जर्व करके काफ़ी कुछ सीख गई कि अगर यू नो हज़ारों लोग आपके सामने हैं तो फिर भी आपको शॉट ठीक से करना पड़ेगा बॉस, कोई मदद नहीं करने वाला है, आपको ही एक्टिंग करना है. तो वैसे यू नो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया मेरा. इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज हैं. या जैकी श्रॉफ, जैकी दा एंड संजू सर. तो कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरीके का माहौल होता था सेट पर? आई थिंक चारों बहुत अच्छे दोस्त है एक्चुअली, बहुत पुराने दोस्त है. बिकॉज जब चंकी सर, जैकी सर, मनीषा मैम और संजय सर सेट पे थे तो हम सब हंसते थे, उनके कहानियाँ हम सबको हंसाते थे. और जैकी सर और संजू सर ऑब्वियसली कुछ ब्रोमांस ही चलता था उनके बीच में. मतलब अगर मान्यता मैम सामने से आके अलग बैठने के लिए नहीं बोलती थी, उन लोग अपने आप इतना बातचीत करते थे और हम सब सुनते थे और इतना हंसते थे यार वो सब. और जैकी सर तो सब को भिड़ू ही बुलाता है और यार उनका जिंदगी का ज्ञान ना आप सबको सुनना चाहिए, ही इज गॉट द बेस्ट आइडियाज. ओके, कितना कुछ मतलब उनसे सीखने को मिला, जिस तरीके से हम बिड़ू को जानते हैं. हाँ, जैकी दा को जानते हैं. हाँ, उनके अलग वन लाइनर्स. या एग्जैक्टली यू नो इट्स सो वियर्ड, जो हम कभी नहीं सोचेंगे जैकी सब बोलेगा. या एंड संजू सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजू सर एक्चुअली यू नो वो इतना टॉल है और मैं इतनी छोटी पटीट हूँ, मैं हर वक्त ऊपर देख के ही बात करती थी. लेकिन यू नो ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन और आई थिंक मैं कभी एक इंसान को ऐसी नहीं मिली जो इतना ऑनेस्ट है. और संजू सर यू नो अपने ज़िंदगी के बारे में बात करता है, वो बोलता है कि यू नो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. वो ही मानता है कि वो बहुत गलत काम करता था यू नो बचपन में एंड ही सेड आई यूज़ टू डू ड्रग्स ऑल ऑफ दैट. सो ही honestly talks, he's so modest, he's so simple and amazing human being. Okay, kya reaction tha jab aapko Pastor Ram ke bare mein bataya gaya ki is tarah ki film hai aur ye ye isme actor hain, Ali Fazal hain, Sanjay Dutt hain, Jackie Shroff hain, to what was your first reaction? Ki yaar itni achhi casting, you should get an award for it only. I mean to put such a good cast together. Lekin kahani bhi itni achhi hai kyunki I think mere career mein main kabhi ek masala Bollywood film nahi kar chuki hu aur main karna chahti thi. Aur jab main soch rahi thi, manager se baat kar rahi thi actually ki chalo hame ek mass film karna chahiye, प्रस्थानम आ ही गया यू नो. और फिर मैं देवा सर के साथ बैठी, वो पूरा नरेशन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. क्योंकि यू नो ये सिर्फ ऐसे मसाला फिल्म नहीं है जहाँ वो वेरी लाउड वाउड चीज़ है, इट एक्चुअली हैज़ अ स्टोरी, एक अच्छी कहानी है इसके पीछे. सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक. पूरी हम इस फिल्म को लखनऊ में ही शूट किए थे, पूरी फिल्म.
तो कि और कितना मतलब कितना काम करना पड़ा आपको लैंग्वेज के ऊपर, कुछ इस तरीके की कुछ? कुछ नहीं, क्योंकि मेरे किरदार एक NRI है, तो वो देवा ही चाहता था कि मेरी हिंदी जो टूटी फूटी है ही और टूटी फूटी बन जाए. सो इट वॉज रियली फनी जब अली मुझे सिखा रहा था, क्योंकि अली को वो लखनऊी एक्सेंट बहुत अच्छे से जानता है, एंड ही वॉज टीचिंग मी, तो देवा की बोला नहीं नहीं मत सिखाओ इनको, मत सिखाओ. अली एक एक्चुअली एक खास दोस्त है अब. मैं ऋचा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, और जब अली खामोशिया शूट कर रहा था, मैं मिस्टर एक्स शूट कर रही थी, तो विशेष फिल्म में बहुत सारे बार मुलाकात हुआ था, तो हम दोनों को अच्छे तरह से जानते थे, लेकिन शूटिंग के दौरान लाइक यू नो अच्छे दोस्त अभी बन गए. वो टुक टुक राइट तो आई थिंक सब लोग सेट पे परेशान थे, क्योंकि मैं भी थोड़ी मस्ती की, क्योंकि मुझे पहली बार मौका मिला ऐसे टुक टुक चलाने का, और फिर वो ड्राइवर टुक टुक को छोड़ना ही नहीं चाहता था, वो वहाँ पीछे बैठ रहा था अली के साथ, और वो बोला चलो चलाओ. तो मैं बोली ठीक है. तो ये सॉन्ग के लिए था, तो जब सॉन्ग शूट ख़त्म हुआ, मैं बोली नहीं चल, मैं टुक टुक सबको, मेरे टीम अली को सब, हम सब वैन के साथ वैन के पास जाएंगे और मैं चलाऊंगी. तो मैं सारे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर गई और बहुत मज़ा आया. ओके, इसी के साथ में और किस तरीके के किरदार जो आप प्ले करना चाहते हो, जो अभी तक आपको प्ले करना है? मुझे एक रानी प्ले करना है, लाइक अ प्रॉपर मणिकर्णिका या पद्मावत, रियली लाइक एक खूबसूरत रानी, लाइक आई थिंक संजय लीला भंसाली की रानी प्ले करना चाहती हूँ. एंड इसी के साथ में कोई एक्टर, कोई जो विशिष्ट हो आपके जिसके साथ में आप काम करें? रणवीर सिंह फॉर श्योर, आई मीन गली बॉय के बाद तो डेफिनेटली. ओके, इसी के साथ में कितना लकी बात है ये साल, इस साल आपकी पूरी मतलब तीन या चार फिल्म आपकी आ गई है, जजमेंटल एंड ये, तो जजमेंटल आ गई, प्रस्थानम अभी, मेड इन चाइना आ रही है, कोई जाने ना पिछले साल आएगा, आई मीन सॉरी अगले साल आएगा. सो एक्चुअली मेड इन चाइना, मेरे परिवार बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि बमन सर है इसमें और मैं पारसी हूँ, तो मेरे बुआ तो लाइक ओ बमन सर यू नो, और मैं गुजराती बोलने वाली हूँ मेड इन चाइना में, तो या लाइक बट वेरी खड़ूस गुजराती गर्ल आई वुड से. कि प्लीज़ प्रस्थानम देख लीजिए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए. थैंक यू.